तो भाई साहब सुबह के 8:45 बज चुके हैं। 9 बजे अपने जाने का प्लान था सीकर, तो 15 मिनट में खाना वाना खाते हैं, तैयार होते हैं और फिर चलते हैं सीकर। ये देखो भाई, कैमरे को अपन ने अच्छी तरीके से इसके ऊपर माउंट कर दिया है जिससे गिरे नहीं, रिकॉर्डिंग आसानी से हो जाए। बहुत जी का श्राद्ध है। अपने भी थाली आ गई भाई, भोजन कर लेते हैं फिर चलेंगे। अपने सारे अभ्यर्थियों के रीट के प्रमाण पत्र लेके आने। भाई मुझे पोस्टमैन वाली फीलिंग आ रही है आज। क्यों? ये देखो कितनी सारी प्रमाण पत्र और भी हैं। देखो भाई कम से कम भी नहीं ना तो 10 प्रमाण पत्र होंगे जो रीट के मेरे को लेके आने हैं। सब में पत्र वाक लिखा हुआ है तो मेरे को पोस्टमैन वाली फीलिंग आ रही है। कैमरे को अपन ने माउंट कर दिया है, हमारे को लग रहा है डर नहीं है गिर नहीं जाए। हम रवाना हो चुके हैं भाई। कल भाई बोल रहे थे कि भाभी जी भी आएंगे, क्या उनका क्या विचार हुआ? कैंसिल हो गया। बैठो सर। तो भाई जिन जिन को सीकर जाने का काम है वो सब हमारे साथ जा रहे हैं। एक सवारी और मिलेगी, हमारे को फोन उठा लिया है सवारी ने लेकिन हमने उनको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। हेलो, हाँ भाई साहब। हाँ भैया, हम सीकर जा रहे हैं, आप चल रहे हो? 5 मिनट में बता रहे हो? ठीक है बताओ भाई। कैमरे को अपन उठा लेते हैं, खतरा लग रहा है थोड़ा सा गिरने का। सर बोल रहे हैं कि मैंने गेटअप चेंज कर दिया, मेरी फोटो खींचो। पर हमने तो फोटो खींचने का तो काम ही बंद कर दिया, आजकल हम लोग वीडियो बनाने लगे। तो भाई साहब भाई का फोन आ चुका है। हाँ सर जी। हाँ सर पे हो? मैं सर खेतरी मोड़ पे हूँ अभी। अच्छा, मैं शिव मंदिर के पास मिलूंगा सर, है ना? शिव मंदिर? ठीक है सर, ठीक है। हम बताई गई डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। कितनी देर में आ रहा हूँ? 2-3 मिनट और लगे हैं। रेगिस्तान की शान ऊंट गाड़ी। नमस्कार। मास्क नहीं लेके आए हैं दोनों ही? नहीं नहीं, उसी पास तो है। और आज भीड़ भाड़ वाला काम है। हाँ भाई, अब बताओ क्या पूछ रहे हैं आप? बताओ। ये क्या लगा हुआ है कैमरे के ऊपर? है कैमरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाँ बताओ क्या है? जाऊ मूसा है। भाई साहब ये जौबूसा वाली फीलिंग मेरे को 2 बार आ चुकी है अभी तक। एक बार पहले भी। तो भाई साहब आप देखो, ये लगा रखा हमने कैमरे के ऊपर, इसको जौबूसा बताते भाई साहब। माइक है सर, माइक के ऊपर लगा रखा है। A few moments later. भाई साहब इतना डिटेल्ड रिव्यू देने के बाद भी भैया बोल रहे हैं ये जो आपने ऊपर लगा रखा है, मेरे को लगता है ये कैमरे का लेंस वेंस साफ करने के लिए लगा। अब क्या रहा है आपकी? अब क्या लग रहा है आपकी? किस लिए लगा रखा है? मास्क हटाओ। अब बताओ किस लिए लगा रखा है ये? इसको साफ, लेंस है, इसको साफ करने के लिए लगा रखा है। मैंने ऐसे ही सोचा। अब क्या सोच रहे हो आप? और आप बताओ आप। अभी और सोचो आप। अभी भी सोच रहे। अब आप सोच के बताओ। अभी आप थोड़ी देर और सोचो, कुछ नया निकल के आए। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीकर, कर में हमारी एंट्री हो चुकी है और जो 2 साथी हमारे साथ आए थे इनको ड्रॉप कर देंगे, ये अपना काम करेंगे, अपन अपना काम करके और फिर फ्री होके फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय। भाई साहब भीड़ हो रही है बहुत खतरनाक। इसको आते ही इसका काम हो गया है। बॉक्स नंबर 244 कितना है? 246 में एक भी बंदा नहीं है। और हमारी लाइन देखो उधर, भीड़ देखो उधर, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। इसलिए मैंने तो मेरा विचार तो हो गया कैंसिल। इसके काउंटर पे भीड़ नहीं थी, इसको मिल गया है। तो अब देखेंगे, दोबारा कभी आएंगे तब लेंगे। हमको सुबह अपन ने ड्रॉप किया था, सुबह क्या अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉप किया था। वापस अपना काम करके वापस पहुंच चुके हैं। वापस कर रहे हैं प्रस्थान, कोई काम नहीं हुआ, काम बाकी रह गया, दोबारा आना पड़ेगा जब सीकर। हाँ तो भैया क्या खिला रहे हो? हम खिलाएंगे आपको डूंगरगढ़ की पकौड़ी, मशहूर दाल पकौड़ी। एक दिन मेरी बात हुई थी उनसे और मैं खा के भी गया था। बहुत स्वादिष्ट है। अभी खिलाते हैं आपको तो पकौड़ी का थोड़ा सा आनंद लेंगे, भूख लग गई है।
भाई कर चुके हैं, चलिए चलो। कहाँ से है वो? है अरे यही है सामने जो है, वहीं खाओगे? वहीं खाएंगे चल के, वहीं खाओगे चल के। गाड़ी लॉक कर दिया आपने? इसमें क्या क्या डालते हो आप? इसमें दाल है, प्याज है, मिर्ची है, धनिया है सब। ये देखो सर कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ मधुआ को ये भाई प्लान चेंज कर दिया रास्ते में, छापोली धाम में घूमने का प्लान बना लिया इन लोग। सर की परमिशन भी मिली है, बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट चले जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं छापोली धाम। पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी, हल्का फुल्का आ रहा है से ना। ये देखो भाई इनसे मिलो। हेलो हेलो नमस्ते, बात कर रहे हैं विकास भाई से। भाई इनका विचार चेंज हो गया, दिक्कत हो जाएगी अभी तो विचार ठीक है। ना 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 और वो जो जलेरी है ना वो बेरी, उसमें भी कभी पानी खत्म नहीं होता। पानी का वेग यहाँ तक आता है ना, पानी का वेग जो दिख रहा है ना वो बैठने का, वहाँ के ऊपर से ऐसे पूरा भर जाता है ये पानी का, इन पेड़ के टक्कर मार के पानी जाता है पूरा। श्रावण जब भी बारिश हो या बारिश के मौसम में, मतलब श्रावण भाद्रपद उसमें। अच्छा और ये जो पानी, ये जो चट्टानी आपको दिख रही है ना, ये सब पानी के वेग से आई हुई है, वैसे एक भी नहीं आई हुई। सुबह हो ना अभी 10-11 बजे, रास्ता बहुत दुर्लभ है, एक डाब कह रही है, वहाँ पे नीचे से पानी निकलता है गंगा साक्षात। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर के बिल्कुल नजदीक, और आज का टूर यहीं समाप्त हो गया अपना, और आज की ब्लॉगिंग को भी यहीं समाप्त करते हैं। आगे घर जा कर के करेंगे एडिटिंग का काम, खाना वाना खाएंगे और फिर सोएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ब्लॉग में बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, खूब ठोक के लाइक करो, ठोक के शेयर करो, बने रहो और मस्त मजे लियो। ये पॉलिसी किसकी थी है? अच्छा क्या बनाया? दाल ढोकले शानदार वाले, मिर्ची वाले खाएंगे तो करंट लगेगा। मेरे पापा खा रहे थे, पसीने, मुंह लाल हो गया।